मैं वरिष्ठ चित्रकार राज सैनी हूँ और जवाहर बाल भवन में एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में यहाँ पे बच्चों को पेंटिंग सिखाने का काम करता हूँ। यूँ तो ज़िंदगी में चित्रकारी के बहुत से स्वरूप हैं, पर अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से कैनवास पे उतारना एक कला अलग होती है। एक गुरु होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि अच्छे बुरे की तुमको पहचान देके जाऊंगा, हर चेहरे को पहचानने वाली नज़र देके जाऊंगा, मैं उस जमाने का संतरास हो यारो के पत्थर को बोलने का हुनर देके जाऊंगा। ये जो बात है कि मैं उस जमाने का संतरास हो यारो, यहाँ पे कहीं ना कहीं अतीत की परछाइयाँ मेरा आज भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। बात 80 के दशक की है कि मेरे चित्रकारी के इस सफ़र में, चित्रकारी की इस यात्रा में, इस कला यात्रा में, मेरे जीवन में जो एक बहुत खास पड़ाव था वो ये था कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण जो रामानंद सागर साहब ने बनाई थी, उसमें मुझे सौभाग्य मिला एक सह कला निर्देशक के रूप में कार्य करने का। और वो दिन, वो काम, वो अतीत की यादें आज तक मेरे पीछे लगी रहती हैं। अस्सी के दशक में जब एक कला का दौर ऐसा था कि सारे काम हाथ से होते थे, सैकड़ों लोगों की तादाद में लोग काम किया करते थे, जहाँ तक मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि रामायण सीरियल का एक एपिसोड जब आप देखते थे उस वक्त 700 लोग 17 घंटे तक लगातार 7 दिन काम करते थे, जब आप 35 मिनट का एक एपिसोड देख पाते थे, वो दौर था। 80 के दशक के बाद जो आज वर्तमान चल रहा है, इस वर्तमान में कला का जो स्तर हुआ है, तो एक तरफ नई तकनीक ने उसके ऊपर अपना पंख फैला के उसको अपने तरफ समेट लिया, दूसरी तरफ कलाकार जो थे और हाथ के काम करने वाले जो कलाकार थे, कहीं ना कहीं वो शोषित हुए। ऐसे में ये है कि गुजारा तो करना है, और उस गुजारे के दौरान में आज कहीं ना कहीं हर कलाकार अपनी कला को लेके जो भी जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। एक बहुत अच्छा दौर था कि हर काम ऐसा होता था कि जहाँ पे आपको कहीं कोई बनावटी चीज़, कोई टेक्निकल चीज़ें, हर काम आपको हाथ से करना था, लेकिन वक्त बदलता गया, मशीनरी आई, फ्लेक्स आई, तो यहाँ कलाकारों के हाथ कटने लगे। धीरे धीरे जो कला एक बहुत अच्छी दुल्हन बन के दुनिया के सामने सज रही थी, वही कला धीरे धीरे अपने आप में सिमटने लगी, सिसकने लगी, और वो वक्त आया कि टेक्निकल तौर पे इतनी सारी चीज़ें हावी हो गई कि वो कला संसार में, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में, जहाँ देखो जहाँ, फ्लेक्स ने कलाकारों के हाथों को काट दिया। और शायद अगर मैं अपने आप को भी कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, और मैं बराबर उस युग से लेके इस युग तक की जहाँ बात होती है, उस दशक से लेके इस दशक की अगर बात होती है, तो बराबर मैंने उन सारे संघर्षों का सामना करते हुए भी अपने आप को स्थापित किया है और आज मैं काम कर रहा हूँ। और तिवारी जी, जी ठीक चल रहा काम? जी सर। आमतौर पे आदमी के जीवन में जो 8 घंटे 10 घंटे काम करने की आदत होती है, उसको मैंने 16-17 घंटों में बांट रखा है। इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद जब मैं यहाँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ पेंटिंग की, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि पेंटिंग की शिक्षा पा लेना एक अलग बात है, पेंटिंग सीख लेना एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि बच्चों को मंच नहीं मिलते, और जो मंच नहीं मिलते उसके पीछे एक कारण ये होता है कि कहीं आर्थिक स्थितियां बीच में आती हैं, तो कहीं संपर्क बीच में आते हैं, और मेरे जीवन का जो मकसद है कि मैं कम से कम इतने पत्थर तराश सकूं पेंटिंग की दुनिया में जो कि हर मंदिर में पूजने लायक हो सकें। मेरे जीवन का जो मकसद है वो नए नए कलाकारों को मौका देना, अंकुरित कलाकारों को स्थापित करना,
अंकुरित कलाकारों को मौका देके समाज में एक उनकी पहचान बनाना। पेंटिंग लेके सर काफ़ी सीरियस रहते हैं, वो थोड़ा सा भी उस पे मजाक नहीं चाहते, जैसे बहुत से बच्चे रहते हैं कि सर काम करते रहते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं या उनका ब्रश कोई छेड़ देता है तो सर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और उनको आप कभी भी काम करवा लो, वो रात को सो भी रहे होंगे तो आप कहोगे सर अर्जेंट ये काम करना है तो वो आपको शीट रेडी करके बिल्कुल दे देंगे। इस क्षेत्र में संघर्ष बहुत है और अपने आप को स्थापित करना बहुत कठिन है, और अगर स्थापित हो गए हैं तो उसको स्थापित करके बनाए रखना एक ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने जीवन को कला के प्रति पूरा समर्पित किया है और हमेशा नए कलाकारों को मौका देने के लिए अपने आप को वचनबद्ध हूँ मैं। इस पेंटिंग में ये दिखा रहे हैं कि एक लड़की रात्रि के समय जो अपने घर की तरफ जा रही थी, अचानक से कुछ बलात्कारियों ने उसके साथ बलात्कार किया और वो बलात्कार करके उसको उसकी इज्जत को तार तार करके वो भाग जाते हैं। ये तो आए दिन होता है कि समाज में जितने भी केसेस होते हैं देखने वाले बहुत होते पर बचाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे हालात में चार चरित्र इसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ ये लड़की, दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है, तीसरी तरफ वो डॉगी जो कि संवेदनात्मक रूप से अपना परिचय दे रहे हैं, और चौथी तरफ वो आंखें जो समाज की तरफ इंगित करती हैं इस बात का कि हम देखते हुए भी हमने अनदेखा किया। कहीं ना कहीं इस पेंटिंग में जो सामाजिक संदेश छुपा है वो ये है कि आज मानव की विकृति, आदमी के स्वभाव की जो विकृति है वो अपनी विकृति बदल ले तो समाज में ये घटनाएं ना हो, पर विकृति बदल नहीं रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। परिणाम ये कि आदमी जानवर बन गया और जानवर कहीं से अपनी इंसानियत का परिचय दे रहा है। लोगों को ये बात बताऊं कि अपने अंदर की संवेदनाओं को जगाएं, कम से कम अपनी विकृति को ख़त्म करके और नारी के प्रति जो सम्मान की भावना है उसको रखते हुए, और कहीं इस बात को ध्यान रखें कि जो घटना आज वो किसी के साथ करने जा रहे हैं कल वो घटना उनके परिवार के साथ भी घटित हो सकती है। आमतौर पे तो ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जीवन में अपने आप को स्थापित करे और उस तरीके से स्थापित करे कि समाज में परिवार की भी प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसे में अगर देखा जाए तो मेरे परिवार में जो मेरे पिताजी थे वो पुलिस विभाग में काम करते थे और उनकी भी ये इच्छा थी कि कम से कम मैं भी अपनी हाइट हेल्थ या अपने स्वभाव के मुताबिक मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करूँ। पर हकीकत जो चल रही थी तो उस अंतर्द्वंद में एक बात थी कि मैं कलाकारी की तरफ जा रहा था और पिताश्री का कहना था कि मैं पुलिस विभाग में जाऊं। ऐसे में कई बार ऐसे वैचारिक मतभेद हुए कि जिसमें ये पापा ने ये कहा कि ये पेंटिंग और ये पेंटर जैसी ज़िंदगी जो है ये किसी लायक नहीं है और आखिर तुम इससे कर क्या लोगे, तुम कहीं अपने आप को स्थापित भी नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक कैसी इज्जत होती है। मैंने बहुत से पेंटरों को जीते मरते देखा है जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता, और तुम वही करना चाह रहे हो जो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा 2 साल के लिए खाना भी बंद कर दिया गया था, और खाना बंद करने में ये हुआ कि ये बोल दिया गया था मेरी माँ को कि इसका 2 साल के लिए खाना पीना बंद कर दो, अपने आप ये रस्ते पर आ जाएगा और इसको समझ में आ जाएगी कि पेंटिंग करना है कि पुलिस में जाना है। ठीक है, मैंने वो भी स्वीकारा कि ठीक है तुम मुझे खाना नहीं दोगे, मैं कैसे भी करके खाना मैनेज करूंगा, चाहे मुझे भले एक टाइम खाना खाना पड़ा लेकिन मैंने पेंटिंग को नहीं छोड़ा। वक्त निकलता गया, मैं अपने आप को पेंटिंग में स्थापित करता गया, और जब मुझे बड़े बड़े मान सम्मान और अवार्ड मिलने लगे तब मुझे एक बात ज़िंदगी का एहसास हुआ कि चुनौतियाँ आपके सामने कितनी भी हों, आज जो नए कलाकार जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम चुनौतियाँ तो आपको सिखाती हैं और चुनौतियाँ आपको सिखाने के बाद पकाती भी हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को ना भूलें कि जीवन में जो भी आपने लक्ष्य तय कर लिया है कहीं ना कहीं उसका आपको एक बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, एक बहुत अच्छे उसके रिजल्ट सामने आते हैं। ज़रूरत है कि आप उसको कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, तब कहीं आप समाज में स्थापित हो पाएंगे। जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगातार लगा रहता है और वो प्रकृति में प्रत्येक इंसान के जीवन में वो क्षण आते हैं जाते हैं, और मेरे साथ भी शायद यही सब कुछ होना था सो हुआ। कि जिस वक्त मैं दमों से भोपाल आया
तो भोपाल ने मेरा स्वागत भी अजीब तरीके से किया कि मैं भोपाल में आया, ट्रेन से उतरा और जिस बस में बैठा, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परिणाम ये निकला कि मैं बस से जिस जगह तक मुझे जाना था तो देखा कि मेरे जेब में पर्स नहीं था। अब मेरे हालात वो थे कि ना मेरे पास खाने के पैसे थे और ना मेरे पास वापस जाने के पैसे थे। मेरी कला जहाँ सिसक रही थी वहाँ मैंने अपने आप को संभाला और उसको और अधिक ऊर्जावान बनकर उसको करने का प्रयास किया। जबकि ये माना जाता है कि कलाकार की भावनाओं की परछाइयाँ उसकी कला पे दिखाई देती हैं, तो कहीं कहीं ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी और उस बीच में जिन भी चित्रों का निर्माण हुआ कहीं ना कहीं से उनमें एक संवेदनात्मक पीड़ा तो थी ही, पर वह चित्र कहीं ना कहीं समाज को समाज के सामयिक विषयों से अवगत करा रहे थे। जीवन में एक उतार चढ़ाव मेरे साथ ऐसा भी आया कि जहाँ से सारे रास्ते भी बंद हो गए, ईश्वर के साथ विश्वास भी टूटने लगा, क्योंकि मेरे बेटे को कैंसर हुआ। और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जब आदमी को नाम ही सुनता है तभी उसको ये लगने लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म होने की बात हो गई। अब मैं एक तरफ अपनी पेंटिंग देखूं, अपनी पेंटिंग से जीवन को चलाने की बात कहूं, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ मेरे बेटे की हालत, सब कुछ पल में ऐसा कुछ ख़त्म सा हो गया। ऐसे में कि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, शायद ऐसे में आदमी असामयिक तौर पे अपने आप को या तो मिटा देता है या कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म कर देता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जो ये कहता है कि नहीं, ये संघर्ष, ये मुसीबतें, ये सारी चीज़ें बहुत मौसमी हैं, कुछ दिनों की हैं, समय निकल जाएगा, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और ऐसे में हम उस सुबह का इंतज़ार करते हैं कि वो सुबह कब आएगी कि जब सारी चीज़ें हमारे जैसी पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण नज़र आई कि जो भी मेरे अपने लोग थे उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं से इतना संबल बनाया और शायद ईश्वर मेरी परीक्षा पूरी कर चुका था और मेरे बेटे का इलाज एक ऐसी जगह हुआ कि जहाँ पे मुझे साक्षात लोगों के रूप में ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए और मेरे बेटे का इलाज हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कोई स्थिर नहीं है, लेकिन ऐसे में अपने आप को डगमगाता छोड़ के या अपने आप को असहाय महसूस करके या अपने आप को ख़त्म करने की बात करके ये शायद हमारे लिए उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हमें उस बात को भी याद रखना है कि जो कुछ भी जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं ये स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ईश्वर हमको उतनी ही मुसीबतें देता है जितनी कि हम सह सकते हैं। मेरा सारे युवाओं से, सारे कलाकारों से, समाज में रहने वाले हर उस प्रतिभा से मेरा कहना है कि इन जीवन के उतार चढ़ावों में हमको रुकना नहीं है, जिसने खोजा है उसको मिला है, जो चला है वो पहुँचा है, और ऐसे में वो सुबह जरूर आएगी जिसका हमें इंतजार रहता है।
कलाकार अपने आसपास के परिवेश से ही अपनी कृतियां चुनते हैं और उस कृति की रचना के दौरान उनकी वो कृति उनकी आत्मा से निकले हुए वो शब्द रहते हैं जो चित्र के माध्यम से परमात्मा की ज्योति में सम्मिलित हो जाते हैं।